हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। इस वीडियो के अंदर हम शेयर मार्केट का यानी कि स्टॉप लॉस पूरा समझने वाले और शेयर मार्केट की स्टार्टिंग चालू कर दी है। जो भी यानी कि स्टार्टिंग शेयर मार्केट को किसी को भी अंदर किसी को भी कुछ नहीं आता होगा शेयर मार्केट के अंदर, वो भी इस वीडियो को देखकर आधे आधा फर्दा नॉलेज ले लेगा। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपका हमारा जो भी फर्स्ट होगा नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आपके ऊपर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको इजीली समझाऊंगा, ठीक है। शेयर मार्केट का मतलब समझेंगे सबसे फर्स्ट, ओके। बड़ी बात है, शेयर आपने टाटा कंपनी मान लीजिए, टाटा टाटा स्टील है, उस कंपनी आपने कंपनी के आपने कुछ शेयर खरीदे, कुछ शेयर खरीदे, ठीक है, लीजिए कुछ शेयर खरीदे आपने, और मान लीजिए टाटा की जो कंपनी है उसकी प्राइस चल रही है, अभी प्राइस कितनी चल रही है आपके हिसाब से, मान लीजिए ये प्राइस चल रही है उसकी पर शेयर 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर शेयर प्राइस पर शेयर 100 रुपीज़ प्राइस है, और आपने खरीदे कुछ मान लीजिए 50 शेयर्स खरीदा आपने, 50 शेयर खरीदे आपने टाटा स्टील, अब 50 शेयर खरीदे होंगे आपने, ठीक है, सीधी बात है, समझिए आप समझोगे तो
ना, तो क्या होता है ऑटोमेटिक सोल्ड हो जाएगा क्या? ऑटोमेटिक सोल्ड हो जाएगा यानी कि बिक जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं कहता कि ऑटोमेटिक आपका जो शेयर होगा उसकी वैल्यू यानी कि वो आपको अपने आप ही आपकी जो आपने स्टॉप लॉस लगाए तो उससे जो भी शेयर हो गए वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। ये मतलब होता है स्टॉप लॉस का। अब इसके लिए आप आपकी शिफ्ट का भी फायदा ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि बात ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं कि मान लीजिए 104 पे जाए उसके बाद स्टॉप लॉस लगाए आपने, फायदे के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया तो डायरेक्ट 104 पे जब आएगी इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और आपके मोड के ऊपर यानी कि प्लस हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सीन होता है शेयर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस के अंदर भी क्या ही दिक्कत है, स्टॉप लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। स्टॉप लॉस की दिक्कत ये मान लीजिए आपने लगाया 98 के ऊपर स्टॉप लॉस। मार्केट का क्या सीन होता है, मार्केट ऐसे नहीं नीचे देखता है कि जिसमें मैंने 100 था फिर 99 आएगा फिर 98 आएगा फिर 97 आएगा, ऐसे नहीं होता। इसके अंदर स्टॉक शेयर मार्केट के अंदर ये होता है डायरेक्ट लेने के अंदर 99 से डायरेक्ट ये 96 पर भी चल सकता है, एकदम 3 रुपया नीचे भी गिर सकता है एकदम। इसके अंदर कोई बोल नहीं सकता कि स्टॉप लॉस है लगाया अपन, लेकिन मान लीजिए अगर आपने लगाया स्टॉप लॉस 98 के ऊपर और 100 से वो डायरेक्ट 96 के ऊपर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस दोस्तों कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और जो आपने जो पैसे लगाते जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे जाते जा रहे हैं, नीचे जाते जाए 96 से 95 जाता रहेगा। लेकिन अगर 98 पर आएगा तो ही आपका स्टॉप लॉस काम करेगा, बाकी आपका स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं है। समझे, तो मेन यही चीज़ समझा रहा था मैं आपको कि स्टॉप लॉस अगर आप लगाओगे तो आप खुश मत रहना, देखते रहना, फिर मार्केट को अगर आप देखोगे नहीं तो आपकी नुकसान हो जाए। लेकिन ऐसा होता बहुत कम, रेयर, ओके ना, ये सब चीज़ें रेयर होती है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर हो जाए, अपनी किस्मत ही हमेशा ख़राब होती है तो ऐसा हो भी जाता है अपने साथ। समझे, तो समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट के अंदर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्टॉप लॉस का मतलब समझ गए होंगे। अगले वीडियो के अंदर हम और कोई अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त के अंदर मैंने स्टॉप लॉस तो पूरा समझ चुके हैं, और कुछ डाउट रहता हो स्टॉप लॉस के अंदर अगर आपको तो आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।